एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल फेस क्लीनअप के बारे में। तो मैं आपको आईब्रोज के बारे में बताऊंगी, आप उसको कैसे सेट कर सकते हो, सही कर सकते हो। लिप्स की बात हम करेंगे, ब्लैकहेड वेडेट्स की, या फिर अपनी स्किन को कैसे अच्छा करना है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए, सारी चीज़ें नेचुरल ही होंगी। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। चलो सबसे पहले बात करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप की। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है क्लेंजिंग। तो इसके लिए हम एक क्लेंजर बनाएंगे अपने फेस के लिए। तो क्या करना होगा हमको यूज़ करना होगा अपना कोई सा भी एक फेस वॉश। आपको लेना होगा थोड़ा सा कोई सा भी अपना फेस वॉश, अपने हाथ पे निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच बेकिंग सोडा। आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा लो, इसे में ऐड कर दो। इसके बाद में इसमें हल्की सी टर्मरिक ऐड करती हूँ। उसके बाद में आप एक विटामिन ई कैप्सूल लो और उसका जो भी ऑयल है ना आप इसी में ऐड कर दो। उसके बाद में आप पानी से उसको अच्छे से मिक्स करो और अब उसकी हेल्प से आप अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना स्टार्ट कर दो। ये हमारा क्लेंजर है और इसे ही हमें अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा हमारे फेस की गंदगी को रिमूव करने में, डीपली स्किन को क्लीन करने में। तो आपको बस एक दो मिनट के लिए ऐसे करना होगा मसाज अपने फेस पे। इसको करने के बाद में बस आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को अच्छी तरह से धुल लेना है और बस इसके बाद में जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप अपने फेस को अच्छी तरह से पोंछ लो। अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की और इसमें हम करेंगे अपनी आईब्रोज को सेट। तो इसके लिए देखो, अब अगर आप सोचो कि आप सबसे पहले आईब्रोज को सेट करोगे तो वो नहीं करना, क्योंकि ऐसे आपकी जो आईब्रोज होती है वो ड्राई होती है। अगर आप रेजर को यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको भी लगेगा। तो इस वजह से हमने पहले क्लेंजिंग करी है ताकि जो आईब्रोज के हेयर है ना वो थोड़े से मतलब सॉफ्ट हो जाए, तो आसानी से वो रिमूव हो सकेंगे। तो आपको बस लेना है रेज़र और डायरेक्ट पहले मतलब आप रेज़र को यूज़ मत कर लेना, पहले कुछ अप्लाई कर लेना अपनी आईब्रोज पे। आप एलोवेरा जेल लगा लेना थोड़ा सा, ताकि आपकी जो आईब्रोज है वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। बस फिर आपको रेज़र लेना है और धीरे धीरे जो भी आपके साइड में हेयर है ना आईब्रोज के साइड में, आप पास में जो देखोगे जो अनवांटेड हेयर आपको लग रहे हो, आपको बस उसे ही धीरे से रिमूव करना है। बस हल्का सा लगता है, मतलब इतना दर्द नहीं होता, बस पता चलता है कि हाँ कुछ हुआ है हमारे स्किन पे। तो जैसे रिमूव कर लेते हो बस आपको एक बार पानी से अपने चेहरे को धुल लेना है, ताकि आपके आईब्रोज के जो हेयर थोड़ा मतलब लग गया आपके फेस पे तो वो पूरी तरह से रिमूव हो जाए। और बस इतना करने के बाद में जो हमारी आईब्रोज होंगी वो अच्छी तरह से सेट हो गई होंगी और यस यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और अभी बारी आती है हमारे थर्ड स्टेप की, जो कि है स्टीम। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक बड़े से बाउल में हमको पानी डालना होगा, उसको रखना होगा गैस पे ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए। जब उससे भाप निकलने लगे, मतलब कि पानी अच्छे से खोल जाए, गैस ऑफ कर देनी है। बाउल आपको लाना है अपने पास और अपने फेस के नीचे रखना है। इसके बाद में आप चाहो तो आप एक टॉवल ले लो या फिर ऐसे ही, आपको बस ये करना है कि जो भाप पानी से निकल रही है ना वो डायरेक्ट आपके फेस पे आए। और आपको इस चीज़ को तब तक फॉलो करना है जब तक उस पानी से खूब सारी भाप निकल रही है। और बस इतना करने के बाद में जैसे ही पानी से भाप निकलना बंद हो जाता है ना, बस आपको यार रोक देना है इस चीज़ को। और इतना करने के बाद बस सिंपल से ये थर्ड स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बारी आती है इसके बाद में हमारे फोर्थ स्टेप की, जिसमें हम बनाएंगे हमारे फेस के लिए एक अमेजिंग सा स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ दो चीज़ों का, टमाटर और पाउडर शुगर। तो क्या करना होगा, आपको हाफ टमाटर लेना होगा, उस हाफ टमाटर पे आपको थोड़ी सी ऐड करनी होगी, थोड़ा सा मतलब उसमें डालना होगा पाउडर शुगर, मतलब चीनी को पीस के उसका पाउडर आप थोड़ा सा डाल लो। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको उसी टमाटर से अपने फेस पे मसाज करना है। पहले तो आप उसको अपने पूरे फेस पे अच्छी तरह से लगा लेना, ताकि शुगर जो है वो पूरे फेस पे मेले लग जाए और साथ में जो टमाटर का जूस है वो भी आपके चेहरे पे लग जाए। और जैसे ही आपके पूरे फेस पे दोनों चीज़ें अप्लाई कर लेते हो आप, बस आपको टमाटर साइड में रख देना है। उसके बाद में आपको अपने हाथों से अपने फेस पे मसाज करना स्टार्ट कर देना है, नोज़ के पास में आप अच्छे से करना, चीक्स के पास में और चिन पे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक हेड वेडेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बस आपको थोड़ी देर के लिए मसाज करना होगा जब तक कि शुगर मेल्ट नहीं हो जाते पूरी तरह से। और जैसे एक बार वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाती है, बस हमारा फोर्थ स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बस एक्सफोलिएशन के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पानी से। पानी से धुलने के बाद में आप खुद देखोगे फेस के जो भी ब्लैक हेड वेडेट्स थे वो पूरी तरह से रिमूव हो गए होंगे, साथ में आपका फेस पहले के कंपैरिजन में अभी काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखने भी लगा होगा। तो चलो ये वाला स्टेप हमने कर लिया ना, अब इसके बाद में आप अपने फेस को अच्छी तरह से पोंछ लो। अब बारी आती है हमारे फिफ्थ स्टेप की और इसमें हम अपने फेस पे अप्लाई करेंगे टोनर। बट अप्लाई करने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम टोनर कौन सा यूज़ करें और मतलब क्या अच्छा होगा इस टाइम हमारी स्किन के लिए, क्योंकि समर है। तो देखो, समर में एक टोनर जो सभी स्किन टाइप्स के लिए होगा, स्पेशली ऑयली स्किन के लिए और एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के लिए, जो अभी इस टाइम में टोनर यूज़ कर रही हूँ घर का, वो है क्यूकम्बर का टोनर। मतलब आपको खीरे का टोनर बनाना है तो करना ये होगा, एक खीरा आपको लेना है, आपको उसको पील ऑफ कर लेना है अच्छी तरह से, या फिर आप उसको पील ऑफ नहीं भी करो बट आपको उसको धुल के अच्छी तरह से कट करके आपको उसको मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इतना आप कर लो, अब वो पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, अभी आपको क्या करना है, आपको उसको डालना है छन्नी पे, आप प्रेस करो चम्मच की हेल्प से और उसका जो भी जूस है ना
आप उसको किसी बाउल में निकालो, बस ये इतना हमने कर लिया ना, हमारा ये टोनर बन गया है, आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसे एक क्लीन बॉटल में रख लेना है, आप इसे स्टोर करके रख दो, लेकिन फ्रिज में रखना इस बात का ध्यान है, और ये काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, ख़राब नहीं होता है। बस अब आपको यही टोनर लेना है, आप किसी बॉटल में डाल लो स्प्रे वाली, और बस आपको अपने फेस पर इसे अच्छी तरह से स्प्रे कर लेना है। और ये हमने यूज़ कर लिया टोनर का, और इसको अप्लाई करने के बाद में आपको अपने चेहरे को धुलना नहीं है, ना ही आपको अपने फेस को बहुत ज़्यादा रगड़ना है। लगाने के बाद में इसे बस हल्का सा प्रेस कर लो अपने स्किन पे, ताकि ये आपके स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद में आप नेचुरली अपने स्किन को ऐसे ही ड्राई होने दो। और बस जैसे ही वो टोनर पूरी तरह से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ना, बस ये फिफ्थ स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं हमारे सिक्स स्टेप की, और इसमें हम बनाएंगे हमारे फेस के लिए एक अमेजिंग सा फेस मास्क। फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसका मैं यूज़ करती हूँ वो होता है मुल्तानी मिट्टी। तो आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेना है हमको, एक बाउल में निकालना है। इसके बाद में दूसरी चीज़ मैं इसमें यूज़ करती हूँ बेसन। तो आपको बेसन भी आधा चम्मच ही लेना है और इसी बाउल में ऐड कर देना है। उसके बाद में आप इसमें 1 पिंच ऐड कर दो सैंडलवुड पाउडर, मतलब कि चंदन का पाउडर। इतना ऐड करने के बाद में आप मिल्क की हेल्प से इसको अच्छी तरह से पेस्ट में कन्वर्ट कर लो, एक इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लो, जिससे कि हमारा फेस पैक बन जाए। और बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमारा ये फेस मास्क भी रेडी है। अब आपको इसे पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना, और थोड़ी सी थिक ही अप्लाई करना, मतलब ज़्यादा थिन मत लगाना, और पूरे फेस पे अंडर आई एरिया में भी अच्छे से इसको बस लगा लेना। और लगाने के बाद में आपको रुकना होगा लगभग 15 मिनट के लिए, ताकि आपकी स्किन में ये ड्राई हो जाए। और जैसे ये ड्राई हो जाता है ना, बस उसके बाद में आपको मसाज करते हुए इस फेस मास्क को अपने चेहरे से रिमूव कर लेना है और अपने चेहरे को धुल लेना है। और बस इतना करने के बाद में जो हमारा सिक्स स्टेप भी है ना, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और बस अब इसके बाद में बारी आ जाती है हमारे लास्ट स्टेप की, और इसमें हम बात करेंगे लिप्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था। तो देखो, बहुत सारे लोगों की गलती होती है, सबको लिप्स अच्छे चाहिए, सबको पिंक लिप्स ही चाहिए, बट ये समझते नहीं है लोग कि भाई लिप्स पे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और जब तक वो प्रॉब्लम्स को हम रिमूव नहीं करेंगे हमारे लिप्स पिंक लग ही नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी लिप्स ड्राई हो जाते हैं, डेड स्किन निकलने लगती है वहाँ की, या फिर ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैकनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जब आप रिमूव कर लोगे ना, तो आपको ज़्यादा कुछ मतलब खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं होगी अपने पैसे लिप बाम को बाय करने में, आपके लिप्स नेचुरली ही अच्छे लगेंगे। बट एक चीज़ का हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि ऐसे नहीं कि आप कुछ भी ऐसा वैसा लगा ले रहे हो अपने लिप्स पे, क्योंकि यहाँ की स्किन पता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, ये सबको पता है। तो हर कोई चीज़ आपको नहीं लगानी होती, साथ पे जो लिप्स पे हम लगाते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारे पेट में भी जाता है, हमारे मुंह में जाता है, तो वो आपको हार्म ना करे। इस वजह से आपको एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि हो सके तो आप कोई ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसा कुछ लगाओ जो मतलब आपके पेट में भी अगर जाए तो वो चीज़ आपको हार्म ना करे, मतलब कुछ नेचुरल चीज़ आप यूज़ करो, ये कहने का मतलब है। तो देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कुछ चीज़ें यूज़ करती हूँ अपने लिप्स के लिए जो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि अगर हम स्क्रब की बात करें तो स्क्रब को यूज़ करना, जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत टाइम से जिस स्क्रब का यूज़ कर रही हूँ वो है ये टैग का स्क्रब। इसका पूरा नाम है द आयुर्वेदिक कंपनी, और ये काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ भी आपको फालतू का यूज़ नहीं करना है, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ आप यूज़ करो। तो ये आयुर्वेदिक ब्रांड का है, तो मतलब इसमें किसी हार्श केमिकल का तो यूज़ किया ही नहीं गया है। तो जब आप इसको लिप्स पे अप्लाई करोगे तो ये लिप्स को भी हार्म नहीं करेगा, अगर बाय चांस ये थोड़ा सा फेस में मतलब मुंह के अंदर भी चला जाता है तब भी ये हार्म नहीं करेगा, और प्लस इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यूज़ करने का तरीका बस ये होगा, बस आपको यही थोड़ा सा लिप्स स्क्रब लेना होगा, उसके बाद में आपको इसे अपने लिप्स पे अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद में अपने फिंगर की हेल्प से आपको जेंटली एक्सफोलिएट करना होगा अपने लिप्स की स्किन को, और आप खुद देखोगे फर्स्ट यूज़ में ही आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि यस, जो ब्लैकनेस थी वो थोड़ी सी कम हुई है, जो डेड स्किन थी वो कहीं ना कहीं रिमूव हुई है। बस ज़्यादा नहीं रगड़ना कि मतलब कुछ नुकसान हो जाए आपके लिप्स का, वो सब नहीं करना, बस जेंटली ही आपको एक्सफोलिएट करना है। और जब आप इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करने लगोगे ना, तो धीरे धीरे जो भी ब्लैकनेस होगी या फिर जो भी ड्राई स्किन होगी, सारी चीज़ें अपने आप में ही रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगी। और बस लगभग 1 मिनट तक एक्सफोलिएट करने के बाद में आपको अपने लिप्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, आप वॉश कर लो अपने चेहरे को या फिर अपने लिप्स को सिर्फ। और बस इसके बाद में चलो, स्क्रब का यूज़ तो हमने कर लिया ना, बट अभी इसके बाद में बात आ जाती है कि हम अपने लिप्स को नेचुरली भी कैसे अच्छा दिखें। मतलब देखो, स्क्रब जो है वो डेड स्किन को, ब्लैकनेस को रिमूव करने में हेल्प करेगा, बट साथ में हमें कुछ ऐसा अप्लाई तो करना चाहिए ना जो इंस्टेंट हमारे लिप्स को और भी ज़्यादा अच्छा दिखाए, थोड़ा सा पिंक दिखाए, जो मतलब ख़राब भी ना लगे कि पता नहीं क्या लगा लिए, लिपस्टिक लगा लिए, और साथ में हमारे लिप्स जो हैं वो नेचुरल भी दिखें। तो इसके लिए मैंने इसी लिप स्क्रब के साथ में एक ये चीक टिंट और लिप टिंट भी मंगाया था, मतलब आप इसको चीक्स पे भी अप्लाई कर सकते हो और लिप्स पे भी अप्लाई कर सकते हो, और वो भी ये
टैग का ही है, द आयुर्वेदिक कंपनी का ही है ये पीच न्यूट पिंक लिप एंड चीक टिंट। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और पीच शेड में है, जो कि शेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में। बस आपको क्या करना है, स्क्रब का यूज़ करने के बाद में आपको यही थोड़ा सा लेना अपने फिंगर पे और अपने लिप्स पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना। और ये जो लिप टिंट है ना, इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी। अब यार देखो, जो लिप स्क्रब है उसको तो आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, उसे आपको रेगुलरली यूज़ करना होगा। बट ये जो लिप टिंट है ना, आप इसको डेली अप्लाई कर सकते हो अपने लिप्स पे नहाने धोने के बाद में, या फिर जब भी आपका मूड हो बस आप थोड़ा सा इसको लो और अपने लिप्स पे अप्लाई कर लो, और ये इंस्टेंट आपके लिप्स काफ़ी अच्छे लगने लगेंगे और ये लिप्स को ब्लैक भी नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करना वीक में एक बार, जब भी आपको टाइम मिले, संडे सैटरडे या फिर जब भी आपके पास टाइम हो, आप इन सारे स्टेप्स को एक बार में फॉलो करना, आपका चेहरा वाकई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस यही था मेरा सिंपल सा वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।